बड़वानी में जीएन रियल एस्टेट गोल्ड लिमिटेड कंपनी के 3 मंजिला भवन को पुलिस और राजस्व अमले ने कुर्क कर दिया है। कंपनी के 2 असिस्टेंट मैनेजर को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया था। भवन कुर्क कर कब्जा पुलिस को दिया गया है। आपको बता दें कि बड़वानी में जीएन रियल एस्टेट गोल्ड लिमिटेड कंपनी ने अपना ऑफिस खोला था जो 2016 तक चल रहा था। इसमें बड़वानी सहित आसपास के जिले के लोगों ने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए थे, लेकिन जब देने की बारी आई तो करोड़ों की चपत लगाकर कंपनी के लोग ऑफिस बंद कर फरार हो गए, जिसकी शिकायत थाना बड़वानी में दर्ज करवाकर पुलिस ने करीब 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिनमें असिस्टेंट मैनेजर अंकुश अवस्थी उज्जैन और देवेंद्र सोमरिया निवासी सागर सहित 7 लोगों को बड़वानी पुलिस ने पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया था। मुख्य आरोपी कंपनी का MD अभी भी फरार है। पुलिस के अनुसार कंपनी ने 50 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी की है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। साथ गए थे सर, मकान सील किया है, क्या मामला था? यह जैसा कि स्पष्ट है, वर्ष 2016 में रियल एस्टेट गोल्ड नाम की कंपनी थी, जिसने जो आम जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा है वो कंपनी में इन्वेस्ट कराया था और ये भरोसा दिलाया था कि 4 साल में ये पैसा आपका दोगुना हो जाएगा। इस प्रकार से करोड़ों रुपये जब कंपनी जमा करने के बाद में लोगों ने अपने दोगुने पैसे की मांग की थी, तब कंपनी 2016 में जो है यहाँ से फरार हो गए थे। जो उसके अध्यक्ष थे, MD, चेयरमैन और अन्य अधिकारी, मैनेजर वगैरह सब फरार थे। जो जांच के आधार पर पुलिस ने इस कंपनी के खिलाफ जो है धारा 420, 467, 468, 471 IPC और मध्य प्रदेश निशक्तों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध पंजीकृत किया था। जब जांच के दौरान देखा गया कि कुछ संपत्ति कंपनी की यहाँ भी विद्यमान है, जिसमें कि 3 मंजिला भवन जहाँ पर अभी हम राजस्व टीम के साथ गए थे, ये भवन कंपनी के नाम से है, तो SP श्री निमिष अग्रवाल सर ने एक प्रतिवेदन कलेक्टर साहब को सौंपा था, जिसमें इसको कुर्क करने के लिए निवेदन किया गया था। उसी आधार पर कलेक्टर साहब ने इसको कुर्क कर दिया है, 3 मंजिला जो भवन है, और आज कुर्की के बाद में जो उसका कब्जा है वो पुलिस को मिला है। अब इसमें आगे और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ कंपनी के जो पदाधिकारी थे वो हिरासत में? कंपनी के जो पदाधिकारी है, इसमें जो मुख्य आरोपी MD और चेयरमैन, वो उनकी गिरफ्तारी शेष है। इसमें अन्य जो अधिकारी है, पदाधिकारी है, उसमें 7 आरोपी अन्य भी थे, वो सब गिरफ्तार हो चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।